जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपके सामने मैं क्लॉक 90 जनरेशन 4 पिस्टल लेके आया हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है, बहुत कैप्टिव कम्पैक्ट पिस्टल है और ये बड़ा लाइट वेट पिस्टल है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सेफ्टी नहीं होती है। इसमें जो सेफ्टी होती है वो हमारे टिगर में होती है। ये देखिए, टिगर के अंदर एक छोटा सा बटन दिया गया है, ये इसका सेफ्टी पार्ट होता है। अगर ये लोडेड है और गिर भी जाता है तो ये फायर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये छोटी बटन प्रेस नहीं होगी ये फायर नहीं करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, सबसे पहले इसकी मैगजीन निकालते हैं। दोस्तों, मैगजीन ओपन करते हैं और इसका चैम्बर चेक कर लेते हैं कि ये खाली है कि भरा है। तो दोस्तों, हम अब 5-6 फायर करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं रिलोड कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट हम फायर करके ही पता लगा सकते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसा दे रहा है। कहते हैं दुनिया का सबसे वर्ल्ड बेस्ट पिस्टल है और डाउट तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। हाँ, सच में ये वर्ल्ड बेस्ट पिस्टल है और डाउट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं, दरअसल ये फोर्सेस के लिए बनाया गया है, ये हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, याद रखना है, इसके अंदर एक भी सेफ्टी नहीं है और डेंजरस भी हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको फायर करते हैं और देखते हैं ये कैसा चल रहा है। दोस्तों, आपके सामने मैं 5-6 फायर करूंगा, देखते हैं ये कैसा चलता है। ये मैं रिलोड कर रहा हूं, मैंने मैगजीन लगा दी है। दोस्तों, हमको पिस्टल में पकड़ने का सही तरीका ये होता है कि हमको पिस्टल को ऐसे ऐसे करके नहीं पकड़नी है, हमको इसको एकदम अपने हाथ अंगुलियों को सीधा करके एकदम ऊपर की ओर प्रेस करनी है और वहाँ पे एकदम सेट करके रखना है, ताकि ये फायर करते समय हमारे हाथ हिले नहीं और ये मज़बूती से हम इसको पकड़ कर रख सकें, दबा कर एकदम टाइट पकड़ के रख लें। और दोस्तों, हमारा अंगुलियाँ एकदम ट्रिगर से बाहर होनी चाहिए, हमारे हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। ये ग्रिप बाहर रखनी है, उंगलियाँ एकदम बाहर रख कर, उस वक्त तक हमें बाहर रखना है जब तक हम फायर के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैं इसको लोड कर लिया और हम फायर के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, हमको हमारी उंगलियां एकदम ग्रिप से बाहर होनी चाहिए और पकड़ने का सही तरीका हमारा ये होता है कि हमारी उंगली बाहर होकर हमारा हाथ ट्रिगर से बाहर होना चाहिए और हम फायर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो रहा ये। अब ये पिस्टल खाली हो गया है, तो जब खाली हो गया तो ये स्लाइड जो है पीछे की ओर आकर रुक जाती है। तो दोस्तों, तो ये पिस्टल बता रहा है कि ये पूरी तरह से खाली हो चुकी है, इसलिए ये पीछे आ जाती है। अगर ये खाली नहीं होती है, अगर लोड रहती है, तो ये स्लाइड जो है पीछे की ओर नहीं आएगा, वो वहीं पे रहेगा। इससे ज़्यादा फ़ायदा अपने को ये है कि अगर पिस्टल रिलोड है तो अगर गोली इसके अंदर है अगर, तो ये स्लाइड पीछे की ओर नहीं आएगा। जब पूरी तरह से पिस्टल खाली हो जाएगा तो स्लाइड अपने आप बाहर की ओर आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।